हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्लस साइज फैशन एंड ब्यूटी टिप्स। आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्क्रब के बारे में। गाइस, क्या होता है ना, कई बार हम लोग बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्क्रब्स यूज़ करते हैं, बट हर कोई जो स्क्रब होता है वो हमारे फेस के लिए ज़रूरी नहीं है कि बेस्ट हो। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ, ये लोटस का है एप्रिकॉट स्क्रब। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये लोटस का है एप्रिकॉट स्क्रब है। गाइस, ये सीरियसली बहुत इफेक्टिव है, और मैं आज से ही इसे यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं इसे बहुत सालों से इसको यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मुझे। मैं इसी को यूज़ करती हूँ क्योंकि गाइस, मेरी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सेंसिटिव है। आप अगर मैं कोई और यूज़ कर लेती हूँ तो आप मेरे यहाँ इधर नोज़ के आसपास इधर पर रैशेज हो जाते हैं, और मुझे उसके बाद उसमें ना कोई सॉफ्ट क्रीम वगैरह यूज़ करनी पड़ती है, तब जाके 3 to 4 days बाद वो ठीक होते हैं। तो मैं इसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ, ये मुझे सबसे बेस्ट स्क्रब लगता है फेस के लिए। तो आज मैं अपने फेस पे अप्लाई करके बताऊँगी, और आप भी इसको अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले हमने क्या करना है गाइस, हमने अपने फेस को क्लीन कर लेना है। मैं पहले ही कर चुकी हूँ एक्चुअली, और अभी जो मैं कर रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ, बहुत ही वार्म वाटर से मैं अपना जो फेस है हल्का हल्का सा वेट कर रही हूँ, गीला कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि जब हम अपने स्क्रब करते हैं अपने फेस पर तो बहुत एकदम हार्ड नहीं लगता है, थोड़ा सा हल्का सा वेट रहेगा, तो ये जो स्क्रब होता है ये बहुत ईजी हो जाता है। एकदम सूखे फेस पर अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारे फेस पर रैशेज होने के चांसेस रहते हैं। तो गाइस, देख सकते हैं मैंने अपने फेस को थोड़ा सा वेट कर लिया है। नेक्स्ट मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये मैंने लोटस का जो ये स्क्रब है, मैं अपने फेस पे इसे आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। सी, मैंने ये थोड़ा सा स्क्रब लिया है एंड मैं अपने फेस पे ये लाइट अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने ये पूरा अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है। आप इसे ना नेक पे भी यूज कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं अभी नेक पे यूज करने नहीं कर रही हूँ, मुझे नीड नहीं है एक्चुअली। और अगर आप करना चाहें तो आप उसको नेक पे अप्लाई कर सकते हैं, बट बी केयरफुल, आपने ये अपने आईज से थोड़ा सा अवॉइड करके लगाना है। देखिए इस तरह। अब हमने क्या करना है, अपने दोनों हाथों को थोड़ा सा वाटर लगाना है अपने हाथों पे, और लाइट इस पर स्क्रब करना है। देखिए इस तरह स्लोली आपने करना है, बहुत हार्ड नहीं करना है, धीरे धीरे आपने इसको रब करना है। आपके नोज में जो ब्लैक हेड्स होते हैं उसे रिमूव करने में जो है ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है। मैं कभी भी गाइस बाहर से ना अपने ब्लैक हेड्स को रिमूव नहीं कराती हूँ, बिल्कुल नहीं निकलवाती हूँ, क्योंकि जनरली क्या होता है, अगर हम बाहर से अपने ब्लैक हेड्स को रिमूव करवाते हैं तो हमारी नोज़ पे जनरली आपने देखा होगा लोगों के इतने सरगर में निशान बन जाते हैं, क्योंकि वो इस तरह ऐसे कर करके रिमूव करते हैं तो हमारे नोज़ पे ना एक निशान बन जाते हैं जो गाइस कभी हटता ही नहीं है, और वो ऐसे ही बना रहता है। आपने इस तरह इसको रब करना है, अपने नोज के चारों ओर करना है, आपने इस तरह आईज ब्लो आईज भी करना है। देखिए आईज के नीचे इस तरह रब करना है, लाइट आपने इसे फोरहेड पे करना है। चिन के ऊपर, यहाँ पे हमारे जनरली जो होते हैं वो छोटे छोटे वो पोर्ट बने होते हैं, आपने देखा होगा कई बार, हमें यहाँ पे रब करके उनको रिमूव करना है। इसी लोटस का जो एप्रिकॉट का ये स्क्रब है, इसी से आप अपने ब्लैक हेड्स रिमूव कर सकते हैं। आपको अलग से इसको बाहर मार्केट में जाके पार्लर से रिमूव कराने की ज़रूरत नहीं है। आपने इसको सिर्फ 5 मिनट अप्लाई करना है। आप चाहें तो थोड़ा सा अपने हैंड्स पे दोबारा से वाटर ले सकते हैं, वार्म वाटर, क्योंकि अभी विंटर का है सीजन है, तो हम वार्म वाटर लेके आपने इस तरह इसको अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं
अब इसको आपने आफ्टर 5 मिनट्स अपने फेस को वार्म वाटर से वॉश कर लेना है। सो गाइस देख सकते हैं आप, मैंने अपना जो फेस है वो अब जो है वॉश कर लिया है, और सीरियसली ये इतनी स्मूथ हो गई है ना स्किन, बहुत एकदम सॉफ्ट, और आप देख सकते हैं कोई मतलब बिल्कुल भी स्पॉट नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब एकदम क्लीन हो गया है, कोई दाना नहीं लग रहा यहाँ पे, यहाँ पोर्स में हल्का हल्का जो मुझे लगता है लाइट लाइट, एकदम स्मूथ हो गया है। तो गाइस ये देख सकते हैं आप कितना क्लीन लग रहा है एकदम, मेरा फेस एकदम सॉफ्ट हो गया है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि आफ्टर स्क्रब आपने क्या करना है। ये मैं निविया की क्रीम यूज़ करती हूँ। देखिए ये हम पूरी बॉडी पर लगा सकते हैं, बट हमें एकदम से फेस क्रीम यूज़ नहीं करनी है। तो मैं ये है बॉडी मिल्क है निविया का, आप देख सकते हैं मैं ये यूज़ करती हूँ। गाइस इसमें क्या होता है ना, मैं आपको बता देती हूँ हमने क्या करना होगा। इसको लाइटली आफ्टर स्क्रब हमने अपने फेस पर लगा लेना है। बहुत मतलब मॉइस्चराइजिंग है ये, बहुत ही एकदम क्रीमी क्रीमी है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार हमें क्या होता है गाइस, हम लोग यूज़ करते हैं फेस मास्क आफ्टर स्क्रब, अगर आपके पास टाइम है तो आप तभी यूज़ कर सकते हैं, अपना फेस मास्क आप लगा सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तभी तो आप उसे नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं। जैसे मैं हैंड टू हैंड जो है वो मैं नहीं करती हूँ, कभी भी फेस मास्क मैं नहीं लगाती हूँ, मैं उसको नेक्स्ट डे यूज़ कर सकती हूँ। तो मैं कल फिर आऊँगी आपके पास एक अच्छा न्यू फेस पैक लेके, और मैं गाइस आपको बता देती हूँ कि मैं बाहर का फेस पैक यूज़ नहीं करती हूँ, वो मैं होममेड यूज़ करती हूँ। तो मैं आपको होममेड जो है फेस पैक के बारे में बताऊँगी। टिल देन टेक केयर, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।